हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। मैं आशा करती हूँ जी आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज भी जी हमारी मॉर्निंग हुई है बग्गी में, और ये हमारा जागृति स्कूल, इनका अभी मैच, उसके बारे में हम आपको पूरी डिटेल से बताएंगे। तो जुड़े रहिए हमारे साथ। और आज हमारे बच्चों का कल्चर, उसकी भी हम आपको थोड़ी देर बाद देते रहेंगे जानकारी। तो चलिए जी, अब चलते हैं हम ग्राउंड। तो जी ये मिला है हमें नाश्ता, चने और चाय। तो जी हमारा पहला जो मैच है वो आज का शुरू हो गया है। तो जागृति वर्सेस साइग्लू का मैच है। बराबर कॉम्पिटिशन है। तो जी जो पहली ये टीम है हमारी जिसका मैच हो रहा है, बट इनकी अभी ना जागृति वालों की ना साइक्लो वालों की अभी सर्विस ही नहीं पहुंच रही है जी। तो दोनों का बराबरी में ही चला है, देख सकते हो आप। ये सर्विस पहुंचाने का ही मैच लग रहा है जी। बेटा आराम से कर, बेटा आराम से कर। करो बंद करो इसको, यहां से करो। तो जी हमारे जागृति का हो गया एक पॉइंट, अब हमारे जागृति वालों के पॉइंट बढ़ते जा रहे हैं। ये मैच तभी स्टार्ट होता है जब सर्विस पहुंचती है। क्या स्कोर? क्या हाथ लग गया सी? चलो नहीं तो ये धीरे धुआ कर रही ना नीचे हुआ। सर्विस नहीं आया, सर्विस जैसे सर्विस एक हाँ जी हाँ बात बोले थे पहले। जीत रही है जागृति, चलो चलो मारो बेटा, जीतना है। ये वाला जो ब्लॉग है ये मैं सिर्फ जागृति और साइक्लू का ही डालूंगी जी। बहुत मजा आ रहा है इसको देख के हमें, क्योंकि बच्चे बोल रहे हैं कि मैम इसकी वीडियो डालो। अभी जो है जागृति आगे चला है जी, सर्विस का ही खेल हो रहा है ये। चेंज, देख लो जी, चेंज करो चेंज। तो जागृति वालों ने फर्स्ट सेट जीत लिया है, अब जा रहे हैं सेकंड सेट को जीतने। अब हमारे स्पोर्टर बदल रहे हैं, क्योंकि हमारी जो टीम है वो चली गई है इधर। तो हमारा जागृति स्कूल जीत गया है जी। दो सेट थे, दो ही सेट हुए, वैसे तो तीन होते हैं पर दोनों जागृति ने ले लिए हैं। और यह जागृति की हमारी टीम। अब ये
टीम स्पिरिट दिखाते हुए बच्चे। तो इसी के साथ ये ब्लॉग होता है खत्म। अब डालूंगी मैं अगला ब्लॉग, वो जो है वो होगा कोटली स्कूल का।